न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला के गांव गोकलगढ़ में 22 वर्षीय एक युवक की ईंट पत्थरों से सिर में वार कर तथा गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक का शव गांव के ही एक खंडर नुमा मकान से बरामद हुआ है। मृतक युवक गांव गोकलगढ़ का ही रहने वाला था। अब हत्या किसने की है या कैसे हुई है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ ये और किस पे शक है आपका? भाई साहब, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस में और मर्डर हुआ है। ये करीब 10-10:30 बजे के करीब जो है गांव गोकलगढ़ में एक खंडर नुमा मकान है एक सरपंच रामोतार का, उसके अंदर ये मेरा भतीजा था मरने वाला। जैसे हमें पता लगा, हम करीब 11:30 बजे पहुंच गए, हमने देखा कि बुरी तरह से उसका गला काट के और सिर कुचल के और हत्या की गई है। तो जो है घर से दो लड़के बुला के लाए थे उसको, अब वो लड़कों का नाम पता नहीं पता चल सका, अभी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस करेगी पता। बाकी ये दो लड़के उसको सुबह 10:30 बजे करीब बुला के ले गए घर से, 10-10:30 बजे करीब। दो लड़के गांव के नहीं होंगे, बाहर के? वो हो सकता है गांव के भी हो, क्योंकि गांव भी बहुत बड़ा है ना, और बाहर के भी हो सकते हैं। ऐसे जैसे कह रहे हैं कि हफ्ते भर किसी से झगड़ा हुआ था, हाँ एक हफ्ते पहले शक उस पर भी है। दीपक सनोफ हंसराज है जो हत्या के 2-3 मामलों में पहले भी जेल जा चुका है, उसके साथ इसका 8 तारीख और 9 तारीख के आसपास झगड़ा हुआ था इसका भवनीश का, तो शक उस पर भी है कि उसी ने मर्डर कराया हो।